प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर उत्तरकाशी के सिलक्यारा के पास टनल में फंसे हुए श्रमिकों के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने राहत और बचाव कार्यों की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि तमाम राज्य और केंद्रीय एजेंसियां परस्पर समन्वय और तत्परता के साथ राहत और बचाव कार्य में जुटी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने स्वयं मौके पर जाकर के स्थानीय निरीक्षण किया और बचाव कार्यों पर लगातार नजर बनाए हैं। बचाव कार्य के लिए बड़े व्यास के ह्यूम पाइप हरिद्वार और देहरादून से भेजे जाने की व्यवस्था कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने साथ ही ये भी कहा कि सुरंग के अंदर फंसे सभी मजदूर सुरक्षित हैं और उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब तक प्रधानमंत्री दो बार मुख्यमंत्री से स्थिति की जानकारी ले चुके हैं। वही केंद्रीय गृह मंत्री और रेल मंत्री भी सीएम धामी से बात कर चुके हैं। केंद्रीय एजेंसियां और एक्सपर्ट मौके पर मौजूद हैं। वही अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि सुरंग में फंसे सभी 40 श्रमिकों को सुरक्षित है, वो सभी सुरक्षित है और उन्हें जल्द ही बाहर निकाल दिया जाएगा। साथ ही उन्हें भोजन और पानी भेजा जा रहा है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि बचाव अभियान में 2 दिन अभी और लग सकता है। ब्रह्मखाल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा और डंडाल गांव के बीच निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा रविवार को सुबह ढह गया। अधिकारियों का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने के बाद फंसे हुए मजदूरों को पाइप के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। वही आधी रात के बाद उनसे संपर्क स्थापित हो गया, जिसके बाद उन्हें केवल पीने का पानी और हल्का भोजन ही मिल सका है। आपदा प्रबंधन के सचिव रंजीत कुमार सिन्हा का कहना है कि फंसे हुए मजदूरों को मंगलवार की रात या फिर बुधवार तक बचाया जा सकता है। सर्कल अधिकारी प्रशांत कुमार ने कहा कि मजदूरों के साथ पहला कम्युनिकेशन रविवार आधी रात को वायरलेस के माध्यम से स्थापित किया गया। NHIDCL के निदेशक अंशु मनीष खलको ने कहा कि बचाव दल ने मजदूरों को भोजन की सप्लाई करने के लिए पाइप के माध्यम से कई बार मजदूरों से संपर्क किया है। बचाव कर्मियों ने मजदूरों के लिए निकलने का रास्ता तैयार करने की कोशिश में रात भर काम कर रहे हैं और उन्हें भोजन के अलावा सूखे मेवे भी भेजे जा रहे हैं।